हाँ हाँ पता है मुझे। अबे वो सुन, एक बार फटाफट से, हमारे एरिया में ना नया SHO आया है, पता नहीं कह रहे थे बहुत नवाब है, अभी तक तो आया नहीं। अरे देख लेंगे, कोई बड़ा नवाब थोड़ना है, हम क्या किसी से कम है। तुझसे क्या बोला, दे फटाफट से। जरा रुको, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। तुझसे मैंने क्या बोला, फटाफट दे एक नारियल। मैडम मैं आपको नारियल नहीं दे सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं देगा? मैडम पहले पुराना हिसाब करो, उसके बाद नारियल मिलेगा आपको। पुराना हिसाब? तेरे कितने पैसे हो गए हैं? मैडम पूरे 3,500 रुपए हो गए हैं, पहले वो दो तब नारियल दूंगा आपको मैं। क्या का 3,500 रुपए? तू मुझे देने से मना कर रहा है नारियल? मुझे पता है मैं इस एरिया के इंचार्ज हूँ। मैडम आप इस एरिया के इंचार्ज हो तो आपको तो ज्यादा पैसे देने चाहिए मुझे। आप ही ऐसी हरकतें करोगे तो और नागरिक क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा तू मुझसे जुबान आएगा, मुझे पता मैं कौन हूँ। चुपचाप से मुझे नारियल दे दे, वरना तेरी दुकान ना बंद करवा दूंगी। मैडम मैं आपको नारियल नहीं दे सकता। अच्छा मैडम कितना भी मार लो आज आपको नारियल नहीं दूंगा आज मैं। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक अभी तेरी दुकान ना बाहर फेंकवाती हूँ। क्या हो रहा है सब? क्या है, क्या बात होगी मैडम? तू कौन है? मैं इसका छोटा भाई। देख के तो तू लग नहीं रहा तू उसका भाई होगा। अरे वो सब छोड़ो मैडम, बात क्या हो गई, क्यों परेशान कर रही हो बेचारे गरीब इंसान को। कुछ भी हुआ तुझसे मतलब, ये मुझे नारियल नहीं दे रहा था तो इसको मैं इसकी औकात दिखा रही हूँ। मना कर रहा था? क्यों भाई, क्यों मना कर रहे हो मैडम को नारियल पानी देने से? अरे भाई साहब क्या बताऊँ आपको, ये मैडम रोज आके नारियल पानी पीती है और पैसे भी नहीं देती है, 2-3 महीने हो गए हैं। पुलिस वाली होकर भी अगर मैं इसको पैसे दूंगी तो क्या फायदा मेरी इतनी बड़ी पोस्ट का। सही कह रही हो मैडम, क्यों ना आपको आपकी इतनी बड़ी पोस्ट से छुट्टी दे दी जाए। छुट्टी देते क्या मतलब? मैडम बात ये है कि आप सस्पेंड हो चुकी हैं। अबे क्यों कौन होता मुझे सस्पेंड करने वाला? मैं इस एरिया का नया SHO हूँ, श्याम मिश्रा। मतलब तो SHO आप हैं? मिस पूजा आप पे तो मैं पहले से ही शक था, आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट आई है, लेकिन आज मैंने आपकी हरकतें अपनी आंखों से देख ली। आपको शर्म नहीं आती इस एरिया के इंचार्ज होते हुए आप बेचारे इस गरीब के पैसे मार रही हैं, उसका हक छीन रही हैं? आप जैसे लोगों को मेरे पुलिस थाने में कोई काम नहीं है। यू आर फायर्ड। और हाँ वर्दी और पिस्टल थाने में जमा कर देना। सर पर मेरी बात तो सुनिए। आउट। और आप आज से आपके लिए कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं आपको पुलिस थाने में मिलूंगा। ठीक है सर।